हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या फाइंड करनी है? टावर की हाइट फाइंड करनी है। लेट सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ द टावर QR इज इक्वल टू H मीटर। हम अज्यूम कर लेते हैं टावर की हाइट क्या है, H मीटर। इन राइट ट्राइंगल PQR, राइट ट्राइंगल PQR, वी नो दैट अपोजिट ऑफ 90 डिग्री साइड इज हाइपोटेनियस एंड अपोजिट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर। देन परपेंडिकुलर एंड बेस ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशो में होता है? 10 में। एंड एंगल मेड हेयर 30 डिग्री, देन वी टेक 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज QR एंड बेस इज PQ। पुट द वैल्यू ऑफ QR एंड PQ, H अपॉन 30, पुट द वैल्यू ऑफ 10 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 30। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H इक्वल टू 30/√3। बट हेयर डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट की वैल्यू आ गई, तो इसको हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे। देन डूइंग रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से ही डिवाइड करते हैं। देन एच इक्वल टू 30 × √3/√3 × √3। रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, 3। एंड हेयर इज 30√3/3, 33 से डिविजिबल है 10 टाइम्स, देन 10√3 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टोवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टोवर्ड द बिल्डिंग। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम इसका। 1.5 मीटर टॉल बॉय एंड फ्रॉम दिस आइस टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री टू 60 डिग्री इंक्रीज होता है। सपोज x मीटर एंड दिस इज y मीटर एंड टोटल डिस्टेंस x प्लस y मीटर। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर एंड हेयर 30 − 1.5 इज 28.5 मीटर CD। लेट ED 30 मीटर, ED 30 मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड EC 1.5 मीटर बी द हाइट ऑफ द बॉय। EC 1.5 मीटर हाइट ऑफ द बॉय। हेयर DC इज इक्वल टू DE माइनस EC। 30 − 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। देन DC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। वी नो दैट अपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस एंड अपोजिट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर एंड रेस्ट ऑफ थर्ड साइड इज बेस। हेयर बेस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशो में होता है, 10 में। हेयर एंगल इज 30 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल ACD, राइट ट्राइंगल ACD, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हेयर परपेंडिकुलर इज DC, बेस इज AC। पुट द वैल्यू ऑफ DC एंड AC 28.5/x + y। पुट द वैल्यू ऑफ 10 30 डिग्री इज 1/√3 इज इक्वल टू 28.5/x + y।
क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर से इक्वेशन फर्स्ट. देन कंटिन्यू. नाउ इन राइट ट्राइंगल BCD. नाउ राइट ट्राइंगल BCD. अपोजिट ऑफ 90° इज हाइपोटेनियस. अपोजिट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर एंड रेस्ट ऑफ थर्ड साइड इज बेस. हेयर परपेंडिकुलर एंड बेस वी टेक 1060. एंगल इज 60. 1060. 1060 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हेयर परपेंडिकुलर इज DC. बेस इज BC. DC अपॉन BC. पुट द वैल्यू ऑफ DC एंड BC. 28.5 अपॉन y. पुट द वैल्यू ऑफ 1060° √3. देन इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y. आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3. अब अपॉन में यहाँ पर √3 आ गया. तो डूइंग रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के बाद 28.5 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3. √3 इंटू √3 क्या होता है 3. देन 28.5 √3 अपॉन 3 से इक्वेशन सेकंड. कंटिन्यू. पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इन इक्वेशन फर्स्ट. y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर x प्लस 28.5 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 28.5 √3. x इक्वल टू, अब प्लस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ट्रांसफर कर दिया 28.5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 1 माइनस 28.5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3. देन आफ्टर दैट टेक एलसीएम 3. देन 28.5 मल्टीप्लाई 3 √3 माइनस 28.5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3. माइनस करने पर 28.5 मल्टीप्लाई 2 √3 अपॉन 3. देन 28.5 इज डिविजिबल बाय 3. 9.5 मल्टीप्लाई 2 √3. 9.5 मल्टीप्लाई 2 इज 19 √3 मीटर. हैंस द डिस्टेंस वॉक टोवर्ड द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19√3 मीटर आंसर. आफ्टर दैट आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5. ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60°. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करें और जो साइड हमारे पास गिवन है उसी साइड के ट्राइगोनोमेट्री रेशो लें और उसे सॉल्व करें. थैंक यू.